तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में वॉक देखे थे बैटल्स देखे थे बैटल ऑफ बक्सा बैटल ऑफ प्लासी एंग्लो मराठा वॉर एंग्लो मैसूर वॉर आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन द डॉक्टर एंड अदर आल्सो अदर मीजर्सोच बीन टेकन बाय द ब्रिटिशर्स सो अगर हम यहाँ बात करें कि इन लोगों ने शहरों पे तो कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स की यहाँ बात हो गई कॉलोनियल पीरियड की बात हो गई कॉलोनियल रूल की बात हो गई सो so, अब उन्होंने क्या किया धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन्हें जो मेजर टैक्स है वो कहाँ से मिल रहा है वो गाँव से मिल रहा है एग्रीकल्चर से मिल रहा है उन्होंने देखा जो रॉ मटेरियल्स है वो उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं वो उन्हें गाँव से मिल रहे हैं तो धीरे धीरे उन्होंने किसकी तरफ रुख करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने रुख करना स्टार्ट कर दिया था गांव की तरफ रूलिंग द कंट्री साइड अब इस ल, पूरे चैप्टर में हम लोग जो जो चीजें डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं उनके बारे में एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ दिस इज अ हिस्ट्री बुक एंड फॉर चैप्टर नंबर थ्री यू हैव टू ओपन पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स सो इन दिस पेज यू कैन सी पेज नंबर ट्वेंटी दीवान जो की हम लोग आज के टाइम पर पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे इसके बाद है रेवेन्यू 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 से हम यहाँ पर देखेंगे उन्हें टैक्स चाहिए मतलब उन्हें अपना खजाना भरना है तो खजाना बढ़ने के लिए जो रेवेन्यू है वो कहाँ से हम शहरों से भी लेंगे गाँव से भी लेंगे गांव में एग्रीकल्चर हो रहा है तो हम क्यों ना उन पर ज्यादा रूल ओवर करना भी स्टार्ट कर दें उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर अब क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए हम लोगों को ज़्यादा टैक्स लेने के लिए इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए एग्रीकल्चर में जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा जितना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ज़्यादा हमारा जो खजाना है जो हमारे ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल रूल का जो खजाना है वो बढ़ता जाएगा जिसको इंट्रोड्यूस अगर हम बोले पर्मानेंट सेटल के तौर पर कॉर्न ने किया था वो भी गवर्नर जनरल थे ना उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फिर न्यू सिस्टम डिवाइस होता है जो कि थॉमस मुनरो लेके आते हैं सॉरी एक चीज़ और बीच में मिसप्लेस हो जाती है मिसप्रिंट हो जाती है उसके बाद मुनरो सिस्टम आता है थॉमस मुनरो वाला उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप जो हमारे टाइप हमारे टाइम पीरियड में अगर इंडियन टाइम पीरियड की बात करें सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था यहाँ पर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज थे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे कि इन रिसोर्सेज की तलाश में ही इंडिया की तरफ बहुत सारी कंट्रीज आई थी उन्हें रिसोर्सेज में से अगर हम बोले हमारे कॉटन हमारे जो सिल्क था वो बहुत ज़्यादा वेल प्रसिद्ध हम बोले तो ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा विश्व प्रसिद्ध था हमारा सिल्क तो हम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फिर वहाँ जब उन्होंने देखा कि सभी चीज़ें इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है तो फिर उन्होंने वहाँ पर भी हमारे जैसे सिमिलर जो क्लॉथ्स है वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फिर उसके बाद इंडिगो इंडिगो मतलब नील अगर जिसे हम बोलते हैं तो नील इंडिगो कल्टिवेशन उन्होंने करवाना स्टार्ट किया क्यों करवाना स्टार्ट किया ये भी चीज़ें देखेंगे और इंडिगो कल्टिवेशन कराने के बाद जो एक रिबेलियन है वो क्यों आ गया लोगों के मन में इंडिगो से क्या नेगेटिव अफेक्ट पड़ते हैं लैंड की तरफ जिसे हम ब्लू रिबेलियन भी बोलते हैं वो सब हम देखेंगे उसके बाद ये जो चैप्टर है आप लोगों का एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा मतलब हम लोगों ने जिस तरीके से पिछले चैप्टर को फिनिश किया था ना हम लोगों ने फिनिश किया था एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट से फिनिश रिवोल्ट तक फिनिश कर चुके थे हम लोग कि ये कुछ स्टार्टिंग है हम लोगों ने डॉक्टर ऑफ लैप्स कर लिया था उसके बाद जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे सेटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया था कंक्लूजन जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमने देखा कि ये कुछ रीजन है जो एटीन रिवोल्ट के लिए जिम्मेदार है ठहराए जाते हैं वही चीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की अब हम भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे 1857 रिवोल्ट को पुश करती है तो हमारा पहला टॉपिक है द कंपनी बिकेम्स द दीवान सो अगर मैं बात करूं इस पिक्चर की दैट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड ये पिक्चर हम लोग पिछली क्लास में भी देख रहे थे पिछली क्लास में हमने क्यों देखा था कि हमने देखा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया आई थी 1600 में तो वो परमिशन लेके आई थी कि हमें आप ट्रेड करना दो धीरे धीरे उस ट्रेड का उन्होंने गलत फायदा उठाना शुरू किया ट्रेड को अपने रूलिंग आ, पावर में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑन ट्वेल्थ अगस्त 1765, सिक्सटी फाइव द मुगल एम्पलर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बेंगाल सो एक पिक्चर है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी को परमिशन मिल रही है वो दीवान है बंगाल की उसके बाद क्या होता है एज दीवान द कंपनी बिकम्स द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर कंट्रोल अब जब वो दीवान बन चुकी है तो जितना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है 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 वो वो किसके अंदर अंदर आ आ जाता है? वो company के में आ जाता कंपनी के में तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पैसे से लेन देन कौन कितना व्यापार कर रहा है सारी चीजें किसके अंडर में आ गई हैं हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे तो नहीं बट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गई अब क्या होता है नाउ इट हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब यहाँ पर हम हैं तो अच्छे से राज करना है हम लोगों को अच्छे से टैक्स कलेक्ट करना है रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो अब हमें जमीनों पर अपना हक जमाना पड़ेगा हमें जमीनों से ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जितने भी आ, हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है उसको और बेहतर बनाने के लिए रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग हमें हमारी रेवेन्यू रिसोर्सेज को ना उसके बाद हमारी पॉइंट आता है एक जो पैराग्राफ एक बार मैं रीड कर देती हूँ ऑन ट्वेल्थ मुगल एम्पयर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान ऑफ बंगाल द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव स्टेंट वेन अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेट इन द पेंटिंग ये जो पेंटिंग आपको दिखाई गई थी उसके बारे में आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बट इन द द पेंटिंग इवेंट इज़ शोन अ देंटिंग ओकेशन। सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हम लोग एक टेंट में हुआ था ये सब कुछ इंग्लिश मैन और इंडियन विटनेसेस के बीच में पर, यहां पर दिखाया गया है कि बड़ा ओकेजन हुआ था मजेस्टिक ओकेजन हुआ था टेक प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव क्योंकि जो पेंटर है जिसने पेंटिंग बनाई है उसको कमीशन uh, किया था मतलब उसको बनाने के लिए बोला किसने था क्लाइव ने टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ जो उनके लाइफ में जो उनकी जिंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट तो पल था उसको एज अ पेंटिंग इनक्लिप करने में तो क्लाइव ने उन्हें बोला था द ग्रैंड ऑफ दिवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन और वैसे भी अगर हम बात करें रहे ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था भी अब उसे आप लाइव कर दो या ना करो बात तो एक ही है पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट मेजर क्लाइव की लाइफ के अंदर नाव एज दीवान दीवान की बात हो गई कंपनी के पास सारे के सारे राइड्स सा आ जाते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अब उनके अंडर में आ जाता है ना इट हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज दर्ड पॉइंट वी हैव डन दिस हैड टू बी डन इन अ वे अब देखिए आप ना थोप नहीं सकते हो लोगों पे कि आज से सारा का सारा हम हाँ, हमारे अंडर में करोगे क्योंकि हम दूसरे देश से आए हम नहीं मतलब ब्रिटिश दूसरे देश से आए तो लोगों को उन्हें अपनाने में टाइम लगेगा यू ही लोग आ, आसानी से उनके अंडर में काम करने के लिए राज्य अगर हो भी जाता तो दिल से जो काम है ना वो नहीं कर पाएंगे यहाँ बात हो रही है दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुल्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसिस ऑफ द कंपनी तो मतलब टैक्स आपको रेवेन्यू आपको ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना है और ट्रेडिंग कंपनी आल्सो हैड टू इंश्योर दैट ट्रेडिंग कंपनी आल्सो हैड टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड नाउ अब इस लाइन का मतलब क्या है एक बार हम इसको डिस्क्राइब करते हैं दैट जो ट्रेडिंग कंपनी है यहाँ हम बात कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी वो इंडिया के अंदर अब क्या होता है ट्रेडिंग कंपनी आपके बुक के अंदर ये पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन करना है हम लोगों को और उसी के साथ ऐसे काम किया जाए कि कंपनी हैड हाँ टू तो इंश्योर कंपनी को ये इंश्योर करना है कि दैट इट कु प्रोडक्ट इट नीडेड जो चीजें वो जरूरी हैं वो इस तरीके से खरीदे मतलब मान लिया हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से खरीदा सेल वॉट इट वॉन्टेड मतलब जो हमारा सामान है वो हमसे खरीदा रफ मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदा बाहर जाके उसे गुड वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया के अंदर लिया और इट इट सेल मतलब हर तरीके से अपना ही फायदा देखना किसकी एक तरीके से फितरत हो गई थी कंपनी की एक तरीके से फितरत अपना ही फायदा दिखाना था उनको ना ओवर कंपनी ने ये सीखा कंपनी लर्न दैट इट सम कॉज मतलब सावधानी के साथ उन्हें चलना पड़ेगा यू ही नहीं वो इंडिया के अंदर रूल ओवर कर सकते क्योंकि वो एक एलियन पावर है एलियन पावर का मतलब कहीं एलियन बाहर से नहीं आया एलियन मतलब वो एकदम ही अलग दुनिया से आए थे हमारे यहाँ दुनिया मतलब इंग्लैंड से आए थे समुन्दर पार्क जिसे हम बोलते हैं वहाँ से आए थे बींग एन एलियन पावर नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन दो पास है कंट्री साइड एंड द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज अब जिन्होंने पिछले मान लीजिए पचास साल से दस साल से बीस साल से कोई राज कर रहा है ठीक है तो उन्हें क्या करना है दे हैव टू दे नीड टू पैसिफाई जो उनका पास्ट है कंट्री साइड जो लोग रहते थे जो जो उनका पास्ट है जो उन पर रूल कर रहा था या फिर जैसी अथॉरिटी और जैसे प्रेस्टीज को वो यूज कर रहा था यह बात आ रही है दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू कंट्रोल्ड आप उसे कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि अब आपके पास सारे के सारे राइट्स हैं उन लोगों पर पहले कोई जमींदार रूल ओवर कर रहा है अब आप आ गए हो ठीक है बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो बट इंटायरली उन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत सालों से राज कर रहे थे आप बस अभी अभी आए हो तो एकदम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक सकते आप उन सभी को बस थोड़े बहुत कंट्रोल कर सकते हो आप उनके अंदर तो यहाँ यही बात आ रही है हाउ वॉज इट टू बी डन अब आप ये काम कैसे करोगे इनको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे आप इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी बिकेम सॉरी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड ऐसे हम देखेंगे गाँव की भीतरी माहौल में कैसे कंपनी ने अपना रूलिंग जो पैटर्न था वो स्प्रेड आउट किया ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स सबसे बड़ा काम था रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना रेड रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल और आप अगर राज करें तो आपके लोग आपको लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो आप कंपनी ने उसके लिए क्या किया एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स क्रॉप्स इट वांटेड वही कैसे उगाने हैं जो आप चाहते हो जो कि हम इंडिगो प्लांटेशन के तौर पर देखेंगे ब्लू रेबेलियन के तौर पर देखेंगे तब क्या हुआ था मतलब जो आपको चाहिए वो कैसे उगा दे क्यों उगा दे ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे तो एक बार इस पूरे टॉपिक को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कंपनी इंडिया आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर एंड उसके बाद उन्हें 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर एक तरीके से दीवान बना देते हैं इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसा नहीं है कि इतने साल तक उन्होंने क्या किया इस बीच में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था बहुत सारी वो सिक्सटी वाली बक्सर एंड हम लोग बैटल ऑफ प्लासी देख चुके हैं तो बहुत सारी वॉर हुई थी बट यहाँ बंगाल दीवान ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो ये दीवान मतलब ये जो दीवान का टाइटल उन्हें मिला था ट्वेल्व अगस्त सेवनटीन सिक्सटी फाइव के बीच में ये एक पिक्चर है जिसे आ, क्लाइव ने ही एक तरीके से उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट पल के तौर पर कैप्चर करने के लिए बोला था पिंठक को यह बात आ रही है कि अब उन्हें ऑर्गेनाइज यहाँ इंडिया में रहना है तो एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लैंड में उसके भले लैंड के भले के लिए कैसे करना है कि आपको लोगों का आपको जो पीजें हैं उनका भी ध्यान में ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग इट्स लैंड रेवेन्यू रिसोर्सेज एंड ट्रेडिंग कंपनी है तो जो चीज़ें आपको खरीदनी है वो आप खरीदो पर जो बेचना है वही आप बेचोगे जो आप बेचना चाहते हो वॉट इट नीडेड सेल वॉट इट वॉन्टेड सॉरी उसके बाद यहाँ पर बात आ रही है कि ठीक है आप आगे बढ़ रहे हो पर ध्यान से बढ़ोगे क्योंकि आप एक एलियन पावर हो बाहर से आए हो तो इंडिया में जो बहुत सालों से रूल कर रहे हैं ना कंट्री साइड के अंदर उन्हें आप एक साथ नहीं हटा सकते हो या कंट्रोल में कर सकते हो सॉरी यहाँ पर एक बार मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगी अपनी लाइन को आप एक साथ उन्हें हटा नहीं सकते हो बट अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो उसके बाद ये सब कैसे हुआ दैट वी विल डिस्कस इन द next class so i hope you all have understood this topic the company becomes a divan so in the next class we will disc uh, we will move over to our next topic thank you